तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं रेफरेंसेस की। जी हाँ, लुकअप एंड रेफरेंसेस में हम रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे कि हमारे सामने एक सिंपल सी बात समझते हैं कि जो फॉर्मूला में अनुवाद है, हमने डेट एंड टाइम तक कैलकुलेशन कर लिया था, हम बात कर रहे हैं रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस में एक फॉर्मूला हमारा आता है एड्रेस। अब एड्रेस फॉर्मूला क्या करता है, चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वन लिखा कि मैं यहाँ पे रो एंड कॉलम नंबर को न्यूमेरिक में लिखता हूँ कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर। रो नंबर हमारा 5 है, कॉलम नंबर हमारा 7 है, मतलब कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एड्रेस मुझे यहाँ आना चाहिए। तो एड्रेस में हम यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे और रो नंबर एंड कॉलम नंबर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे G5 आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सही, मैं गलती कर दिया था, H5 भी था, G5 था। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं आपको भी आज चालू है, आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, अभी क्लास में बैठा हूँ, क्लास से फ्री होकर। तो यहाँ हमने एड्रेस का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे एड्रेस आया, लेकिन प्रॉब्लम है कि G5 का मेरा एड्रेस आया है, इस एड्रेस का क्या काम, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो 36 है और 36 चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि इस एड्रेस को एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब इनडायरेक्ट को समझिए कि आगे चल के इनडायरेक्ट यूज होने वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कि G2। अब बाकी एक्सेल के बाकी जो फॉर्मूले हैं, बाकी जो फीचर है, वो इस चीज़ को समझता है कि G2 एक टेक्स्ट है। जैसे कि ABCD, राम रहीम, दिल्ली, मुंबई, बम्बे जैसे टेक्स्ट है, ऐसे यह एक टेक्स्ट है, किसी भी तरह का एड्रेस नहीं। लेकिन आपके हिसाब से ये एड्रेस है, इसको एड्रेस होना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाते हैं और ये देखिए आपका इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इनडायरेक्ट जो है एक्सेल को समझाता है कि G2 जो है ये एक टेक्स्ट नहीं है, ये एक रेफरेंस है, और इसकी जो रेफरेंस को जाता है उसकी वैल्यू को शो कर देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके साथ करते हैं ताकि आपको इसकी बेनिफिट समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम लेता हूँ, और यहाँ पे जैन फैब मंथ ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाऊंगा और रैंडम डेटा ले लूंगा। कॉपी किया एंड पेस्ट। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपके सामने वैल्यू दिख रहा है, तो मुझे कुछ इस तरह का चाहिए। यहाँ पे नेम सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं क्वार्टर सिलेक्ट करूँ कि मुझे Q1 का पूजा का डेटा चाहिए। तो मतलब Q1 में पूजा हुआ, तो पूजा का जैन पर मार्च का जो टोटल है, टोटल कितना हुआ 112, यहाँ 112 शो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दिया तो फिर 112 जो है अप्रैल मई जून का जो टोटल है 170, और 170 यहाँ शो होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि इस तरह की वैल्यू को करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो कैसे करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक फॉर्मूले की यूज किया। सबसे पहले हम यहाँ पे चूज का फॉर्मूला देंगे। हमारे पास चूज फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ 1 हो तो जैन आ जाए, 2 हो तो अप्रैल आ जाए, 3 हो तो क्या आ जाए,
जुलाई हो, जुलाई आ जाए, तो मैं यहाँ पे जो है हर हर क्वार्टर का पहला मंथ शो करना चाहता हूँ। हालांकि इसको हम इफ फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू वन, तो जैन, ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मेरा इनपुट सीक्वेंस है 1 2 3, तो जहाँ इनपुट सीक्वेंस है 1 2 3 या 1 के लिए अलग, 2 के लिए, 3 के अलग, ऐसे से आपको अगर रेफरेंस देना है तो यहाँ पे चूज फार्मूला परफेक्ट वर्क करेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जस्ट अपना रिजल्ट लिखते चले जाइए कि जैन, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो ये क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं बी 16 में 3 के जगह पे 1 होगा तो जैन को शो करेगा, 2 होगा तो अप्रैल को शो करेगा, 3 होगा तो जुलाई को शो करेगा एंड 4 होगा तो अक्टूबर को शो करेगा। तो देखिए आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि जो अप्रैल है इस अप्रैल का कॉलम नंबर क्या है, मुझे पता करना है कि अप्रैल का कॉलम नंबर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां मैच का फॉर्मूला है, मैच इसको सेलेक्ट करेंगे, मैच में हम लुकअप में हमारा जो एरिया है इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा जी। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम में चेक करता है और चेक करके बताता है कि ये जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका कॉलम नंबर या रो नंबर शो कर देता है। जी हाँ, कॉलम नंबर या रो नंबर शो कर देता है। तो इसने कॉलम नंबर 5 शुरू कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि पूजा का जो अप्रैल है वो कॉलम नंबर 5 से शुरू है और ख़त्म किस पे है, तो इसमें प्लस 2 कर दिया तो 7 में, मतलब कि अप्रैल जो हमारा है वो यहाँ 5 नंबर से लेके और यहाँ 7 तक चलेगा, 5 6 7 तक चलेगा। और फिर मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मा लगाया और पूजा का रो नंबर पता किया क्योंकि एड्रेस में रो एंड कॉलम दोनों चाहिए होगा ना, तो रो 2 हो गया। अब मैं यहाँ एड्रेस का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि जो एड्रेस है उसका रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 5 है, E2 आ गया क्योंकि हमारा E2 से स्टार्ट है। और फिर अगेन मैं एड्रेस का फॉर्मूला लगाऊंगा रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 7 कर दूंगा तो जाएगा G2। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब हम सम का फॉर्मूला देते हैं तो सम के फॉर्मूले में कुछ इस तरह से होता है कि B2 से C2 इस तरह का रिकॉर्ड होता है। देखिए तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए इसको कॉनकेट कर देते हैं, कॉनकेट इसको कॉनकेट कर देते हैं। अब मैं एड्रेस आ गया, अब मैं इसको सम करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या, सम जब करेंगे तो सम नहीं देगा, जब इसको सम करेंगे तो आपको सम नहीं देगा, सम के जगह पे 0 देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये E2 से G2 जो है वो टेक्स्ट में है, रेफरेंस में नहीं है, लेकिन इसको तो रेफरेंस चाहिए तभी तो उसकी वैल्यू उठाएगी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला जो कि इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करके सम को देगा और आपके सामने रिजल्ट आ गया 170। तो फॉर्मूले को दोबारा समझिए कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैंने चूज का फॉर्मूला लगाया जो कि इस सबसे पहले जो हमने चूज का फॉर्मूला लगाया ताकि क्वार्टर नंबर को उसके मंथ से कन्वर्ट करे कि इसका पहला मंथ कौन सा है उसमें कन्वर्ट करे। देन हमने वापस जो है मैच का फॉर्मूला लगा के पता कर लिया कि जो चूज ने अप्रैल दिया है उसका कॉलम नंबर क्या है स्टार्टिंग, और हमें पता है कि क्वार्टर 3 महीने का होता है तो मैंने एंडिंग के लिए इसी की रिजल्ट में प्लस 2 कर दिया। उसके बाद फिर हमने पूजा के लिए पता किया कि रो नंबर, हमें कॉलम पता चल गया स्टार्ट एंडिंग दोनों, पर रो पता करना चाहिए क्योंकि पूजा किस रो में है
तो हमने वापस मैच का फॉर्मूला लगाया तो पता चला कि पूजा दूसरे नंबर रूम में। तो यहाँ पे हमने एड्रेस का फॉर्मूला लगाया और बोला कि भाई रो एंड कॉलम नंबर, तो यहाँ पे रो नंबर में 5 और कॉलम नंबर में, रो नंबर में 2 एंड कॉलम नंबर में 5 दे दिया, तो E2 का एड्रेस आ गया। और वापस हमने क्या किया, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 7 कर दिया, तो ये G2 का रिजल्ट आ गया। फिर उसको आपस में कॉन्केट करके, कंबाइन करके एड्रेस बना दिया और सम फॉर्मूले में इनडायरेक्ट की मदद से डाल दिया। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको सम करेंगे, इसको इसको मर्ज करेंगे। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ M16 पे पेस्ट कर दिया, फिर M16 को कॉपी किया और यहाँ D16 पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से मैच को कॉपी किया और यहाँ E2 में है हमारा B17, इसमें पेस्ट कर दिया, और G2 में हमारा B17 है उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस 5 फॉर्मूले को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ हमारा स्टार्टिंग में D16 था, इसको हमने पेस्ट कर दिया, और इसमें जो नंबर था हमारा मैच का फॉर्मूला इसको कॉपी किया हमने, और G2 में जहाँ था हमारा E16 उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। और हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो है यहाँ इमेज को भी डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब इसको कॉपी करते हैं हमारे इस फॉर्मूले को और यहाँ C17 पे पेस्ट कर देते हैं, और वापस इसको कॉपी करते हैं एड्रेस फॉर्मूले को और इसके जो है हमारा D17 पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको आसानी से डिलीट कर सकता हूँ, और फिर वापस E17 को लिया और इसको कॉपी किया और यहाँ E17 पे इसको पेस्ट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। दैट इसको कट करके जहाँ लाना है वहाँ लाइए। अब यहाँ पे दीजिए 3, 4, 1 और यहाँ पे पूजा के जगह पे मैं यहाँ देता हूँ मोहन, मोहन का आ गया। मैं यहाँ पे मनोज का देता हूँ, मनोज का आ गया। तो क्या है कि फॉर्म, अब जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला होना ही चाहिए। अगर किसी चीज़ के लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो हम कई सारे फॉर्मूले को आपस में कंबाइन कर फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इस एग्जांपल में आपने फॉर्मूला में क्या सीखा, आपने फॉर्मूला में सीखा चूज का एड्रेस का फॉर्मूला, चूज का फॉर्मूला एंड मैच का फॉर्मूला और एड्रेस का फॉर्मूला, एड्रेस एंड इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कॉलम्स एंड रो दो फॉर्मूले उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो जिस कॉलम में लगाऊंगा उस कॉलम का नंबर दे देगा कि तीसरा नंबर कॉलम है, और जिस रो में लगाऊंगा उस जिस कॉलम का, किसी कॉलम का रेफरेंस दे दिया तो बताएगा कि इस कॉलम का डेटा है। इसका यूज हम आपको कल की क्लास में जब VLOOKUP क्लास कराएंगे उसमें समझाएंगे आपको। अब बात करते हैं रो का फॉर्मूला। तो हमारे पास रो का फॉर्मूला है कि जिस रो में लगाओगे उस रो का नंबर आ जाएगा, और जिसके आप किसी के रेफरेंस देते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर रो, तो इस पर्टिकुलर रो का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि सीरियल नंबर देता हूँ, तो आप अगर मैनुअल सीरियल नंबर जनरेट करके देते हैं तो क्या होगा कि इसके बीच में किसी ने सीरियल को डिलीट कर दिया तो सीरियल को फिर से वापस आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप रो से करें तो क्या होगा कि अगर बीच में मैं कोई सीरियल डिलीट करता हूँ, इसे 11 से 15 में डिलीट कर दिया तो वापस 11 से 15 यहाँ बन गया, नीचे से कम हो गया। नीचे जैसे कि नीचे अगर मान लीजिए आपका 132 है, अगर मैंने 120 से लेके 125 डिलीट कर दिया तो ये सीक्वेंस सेम रहेगा बट हमारा नीचे से कम जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमने स्टार्टिंग से किया, मान लीजिए सीरियल नंबर हमारा यहाँ है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला रो का तो यहाँ पे 10 देगा बट मुझे तो चाहिए 1,
तो कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस वन कर देना, माइनस वन माइनस नाइन माफ कीजिएगा, माइनस नाइन कर देना, वन आ गया, नीचे की तरफ ड्रैग कर। इसका यूज हम लोग इसमें भी करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी करते हैं। जैसे कोई डेटा है और आपको और एक डेटा को हाईलाइट और इवन हाईलाइट करना है, इसी देख लीजिए, इसी को बात करते हैं। जो हाईलाइट अभी जो हाईलाइट देख रहे हैं, एक हाईलाइट है दूसरा नहीं है, फिर हाईलाइट है दूसरा नहीं है, हालांकि तो टेबल से हुआ है, लेकिन मुझे अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको नो फिल कर देता हूँ। मुझे एक को कलर करना है, दूसरे कलर नहीं करना, तीसरा कलर करना, चौथे कलर नहीं करना, तो क्या करें। तो इसके लिए देखिए क्या है, रो का फॉर्मूला है, रो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर रो नंबर आएगा और इसी में हम लगा देंगे फॉर्मूला किसका, इवन का। तो एक नंबर इवन एक नंबर ऑड होता है तो ये ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आ जाएगा। सो इज इवन, माफ कीजिए, इवन में इज इवन, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब इसी फॉर्मूले को उठाता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में जाता हूँ, फॉर्मूला दे मारता हूँ और फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ फॉर्मेट में हम अपनी कलर को फिल कर लेते हैं, जो भी कलर चाहिए वो कलर चूज कीजिए, देन ओके। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट से इसको आप यहाँ तक, समझ में आ गया सर? हेलो, यस सर, कोई डाउट इसमें? यस सर। तो ऐसे आपको कॉलम वाइज करना हो तो कॉलम का, रो वाइज करना हो तो रो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और होता है, एक होता है रोज का फॉर्मूला। रोज फॉर्मूला क्या करता है कि जितना रोज सेलेक्ट करेंगे बताया कितना रोज सेलेक्ट किए। इसका आगे चल के हम एरे में यूज बताएंगे आपको। सेम कॉलम्स का होता है कि जितना कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उतना कॉलम का बता देगा कितना कॉलम आपने सेलेक्ट कर रखा है। इसका यूज हम एरे फॉर्मूला में आपको समझाएंगे। उसके बाद इसमें फील्ड वैल्यू, अब मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला से आपको आ रहा है तो यहाँ पे एक होता है फील्ड वैल्यू, नहीं फील्ड वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, माफ कीजिएगा, फील्ड वैल्यू अलग है। ये जो फील्ड वैल्यू का फॉर्मूला है ये अलग, ये नया फॉर्मूला है, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द फील्ड ए गिवन रिकॉर्ड्स। तो वैल्यू में हम 71 डालते हैं और फील्ड नेम डाल देते हैं मार्च। नया फॉर्मूला आया, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऑफिस 365 में ऐड होते रहते हैं ना। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट पे वर्क करता है, इसको मैं आगे समझाऊंगा सर आपको, ये स्टॉक मार्केट पे वर्क करता है। फॉर्मूला टेक्स्ट, यहाँ से फॉर्मूला का टेक्स्ट देगा, जो फॉर्मूला लगा रखा है बताएगा कि क्या कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला टेक्स्ट। इसमें हाइपर, इसमें गेट पिवट डेटा है, इसमें अगला जो फॉर्मूला हमारा है और गेट पिवट डेटा है, तो उसके लिए मुझे डेटा पे आना पड़ेगा और एक पिवट लगानी पड़ेगी, तब मैं आपको समझा पाऊंगा गेट पिवट डेटा क्या करता है। तो ये डेटा है और इस डेटा पे मैंने पिवट लगा दिया, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम वाइज क्वांटिटी का टोटल ले लिया।
अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि इसका अमर का टोटल चाहिए, तो सिलेक्ट किया, तो देखिए अमर का टोटल के लिए यहाँ पे क्या लग गया, गेट पिवट का डेटा लग गया। तो पिवट टेबल में लिंक करते हैं तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन मुझे अगर नेम ये रखने हैं, नेम और क्वांटिटी, तो पिवट टेबल से लुकअप करने का बहुत अच्छा तरीका है कि मैं यहाँ पे देव दे देता हूँ, देव। तो मैंने यहाँ पे अमर के जगह जो है इसको डिलीट किया और हमने ले लिया देव को, सिलेक्ट कर लिया। अब देव का डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे मनोज करता हूँ, देखिए मनोज का डेटा आएगा, एकदम जस्ट लाइक वी लुकअप की तरह यूज होता है। तो गेट पिवट डेटा, तो गेट पिवट डेटा डेटा में आपके होता है कि भाई टोट किसका लाना है, सम ऑफ क्वांटिटी लाना है। दूसरा आता है कि आपका पिवट स्टार्ट कहाँ से है, तो A3 से स्टार्ट है। किस फील्ड में मैच करना है, तो नेम वाले फील्ड में मैच करना है। और क्या मैच करना है, तो आपके सामने GK को मैच करना है। तो गेट पिवट टेबल खुद ब खुद लग जाता है, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। गेट पिवट के बाद दूसरा जो आता है वो आता है हाइपरलिंक का डेटा। हाइपरलिंक इस लुकअप लुकअप में है, इस लुकअप फॉर्मूला आपको लुकअप क्लास में बताऊंगा। तो इसमें जो है आपका हाइपरलिंक का फॉर्मूला है, जान लीजिए। जैसे हमने लिखा कि www.google.com, तो ये हाइपरलिंक लग गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरनेट से अलग अलग एक साइट उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्लिक इन मैंने वेबसाइट को खोला, ऑल सिटी है, हम यहाँ से पर्टिकुलर सिटी नोएडा लेते हैं। अब देखिए देखा ना, click.noida.com। तो इसी तरह के आप अगर URL बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिटी है, मान लीजिए मैं जो सिटी सिलेक्ट करूँ मैं लिंक उसी का बनना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया और हमने स्लैश को हटा के &% लगा दिया और इसको डिलीट किया। हमने सेलेक्ट कर लिया सिटी को, देन &% देन इन्वर्टेड कॉमा में इसको डाल दिया, तो कॉन्केट करके हमने पास लगा दिया, पर इसका हाइपरलिंक नहीं लगा। तो यहाँ आप हाइपरलिंक का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर दे दें कि क्लिक या। अब जैसे सिटी में मान लीजिए मैंने दिया, सॉरी सिटी ऊपर सेलेक्ट होकर नीचे करना था ना, पटना करूँगा, तो ये देखिए पटना का लिंक क्लिक हो जाएगा। जब क्लिक करूँगा तो हमारा जो वेबसाइट खुलेगा जो क्लिक इन, वो पटना सेलेक्ट होगा। तो इस तरह के कभी कभी URL हमें बनाने पड़ते हैं, तो URL बनाने के लिए हम हाइपरलिंक का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सीट के नाम है, आप सीट के अकॉर्डिंग चलना है, सीट वन, तो यहाँ पे मैनुअल जो हाइपरलिंक लगाते हैं उस पर चले जाते हैं। मैनुअल हाइपरलिंक में हमने ये जो पाथ आ गया, इस पाथ को कॉपी कर, ये पाथ को रख लीजिए, यहाँ ये पाथ चाहिए होता है, इसलिए मैंने मैनुअल लगाया। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया और &% में इन्वर्टेड कॉमा में इसको रख लिया। अब सीट वन है, क्लिक करते मैं सीट वन पे चला जाऊंगा आगे। अगर मैं यहाँ पे सीट वन की जगह पे सीट सिक्स कर दूं, तो सीट सिक्स पे चला जाऊँगा। सॉरी, इस पर हाइपरलिंक का फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने।